मंचासी उपस्थित हम सबके आदरणीय और श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र कोहली जी, आदरणीय दयाप्रकाश सिन्हा जी, हम सबके अत्यंत प्रिय आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, मंचासीन आदरणीय राहुल देव जी, आदरणीय श्री कमल किशोर गोयंका जी, कोई नाम छूट गया हो तो त्रुटि क्षमा चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर प्रवक्ता.com द्वारा इस गोष्ठी में आमंत्रित एक बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा लोगों को देख रही हूँ सामने बैठे हुए, और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर मीडिया, जिसकी बड़ी ही रुचि है इस पूरे विषय को जनता तक ले जाने की। मेरी बस हार्दिक इच्छा है कि वो दोनों पक्षों को लेकर के जाएं जनता के सामने। अनायास ये सवाल उठ सकता है कि मैं कैसे यहाँ पर और क्यों। बहुत सादी सी बात है, एक कलाकार का कृतित्व, उसकी विधा, उसकी जो भी सृजनात्मक शक्ति है या क्षमता है, उससे इतर एक व्यक्ति का चिंतन होता है, एक बुद्धि होती है, एक तार्किक बुद्धि भी होती है, सही गलत देखने की नज़र होती है, क्षमता होती है। लेकिन हाँ, बहुत कम में शायद साहस होता है कोई पक्ष लेने का या सच को आकर कहने का। तो एक दोहा आपने पढ़ा था, एक दोहा मैं कहती हूँ, हम घर फूका आपना, लीन लकुटिया हाथ, अजय घर फूके आपना, सो संग चले हमारे साथ। कबीर का दोहा, अभी आपने बात कही तो मुझे याद आ गई। बहुत छोटी सी बात है, मेरा यहाँ पर होना इसलिए कि कुछ लोगों के बताने से, जताने से मैं कैसे मान लूँ कि देश में इस समय सौहार्द का माहौल नहीं है। यदि किसी को इस बात पर एतराज़ है तो उसको आना चाहिए। मैं कलाकार हूँ तो मैं सामने आऊँगी। मैं कई बार गोष्ठियों में बात बताती हूँ, अपनी पुरानी जब अतीत की संगीत की यात्रा होती तो बताती हूँ कि ब्राह्मण घराने से होकर यहाँ पे डीपी सिन्हा साहब, तो मुझे बचपन से देखा हुआ उन्होंने, ब्राह्मण घराने की होते हमारे उस्ताद सारे मुस्लिम रहे, और आज भी हम गाना बजाना करते हैं तो आधे हमारे कलाकार होते हैं। और गंगा जमनी या जिस सेक्युलरिज्म को लेकर इतनी राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई, मैं तो कहती हूँ सारा काम धंधा छोड़कर एक बार कलाकारों की बिरादरी में आकर के झांक लीजिए, असली सेक्युलरिज्म क्या है उसके दर्शन हो जाएंगे। जहां पर हम सुरों से जानते हैं, किसी को किसी के मजहब से नहीं जानते, और न कहीं पर किसी के विषबाण किसी के भीतर प्रकट है। बहुत सादा सा एक फलसफा है कि भारतीय संस्कृति अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संस्कृति को किस बात का किससे ही स्पष्टीकरण चाहिए, जिस संस्कृति ने हजारों वर्षों से इतनी संस्कृतियों का समायोजन किया और आदरपूर्वक किया, वो स्वभावतः विरोधी, धर्म विरोधी हो ही नहीं सकती। यदि आप भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो इजाजत देता है कि सभी धर्म अपने विश्वास और आस्था के हिसाब से उसके आराधना करेंगे, भारतीय संविधान इजाजत देता है, या तो संविधान में आस्था नहीं या भारतीय संस्कृति में आस्था नहीं। लेकिन मैं उसके विरोध में हूं जहां पर संस्कृति पर विश्वास करने वाले, आस्था रखने वालों को, या सनातन चिंतन में विश्वास रखने वालों को पोंगा पंथी करार दे दिया जाता है या अनपढ़ों की संज्ञा दे दी जाती है, और यह किया गया है कई वर्ष। ये नहीं चलेगा। आदरणीय राहुल देव जी, बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने एक बात कही कि इस समय बहुत ज़रूरत है कि लोग बटे हुए न दिखें। मैं बहुत सम्मानपूर्वक पूछना चाहती हूँ, बांटने की कोशिश किसने शुरू की, कौन सबसे पहले आगे आया? आप अपनी बात कहें। मुनव्वर राणा जी ने, आप भले शामिल हो करके आप पुरस्कार वापस कर दिया, लेकिन वो सबसे पहले थे जिन्होंने लिखा कि क्या स्याही सूख गई है जो हम वापस करें। आज उनका ही सवाल पूछते हूँ, हमें भी सोहर बनना छोड़कर ये बात कहने के लिए क्यों आना पड़ा? जो जिस विधा को कर रहा फिर वही करे। लेकिन यदि
आप एक पुरस्कार वापसी को एक ऐसे समय में वापस करते हैं जिसके बारे में आम भ्रांति जनता को भी अब है कि कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ी सी गंभीरता आई भी थी, तो अब वो कहीं ना कहीं पे वो गंभीरता का भाव भी जाता रहा है। उसका कारण बहुत सारा। दो दिन पहले मेरे अति सम्मानित आदरणीय काशीनाथ सिंह जी का एक साक्षात्कार छपा परसों बनारस में, जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि भैया हमने नहीं वापस किया। आप लोग को पता है हम सबके चहेते हिंदुस्तान के सबसे पसंदीदा, शायद आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी इज्जत और एहतराम बहुत कम शायरों ने कमाया जैसा हम सब के चहेते मुनव्वर राणा साहब ने। क्या बात है कि 10 दिन तक वही अड़े रहते हैं और एक दिन ड्रामेटिक अंदाज में वापस करते हैं। कहाँ गई गंभीरता? हम क्यों ना इसमें साजिश देखें, हम क्यों ना इसमें एक पैटर्न देखें, क्योंकि आधे लोग जो वापस करने हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पूर्व दस्तखत करके एक अभियान चलाया। ये पटवर्धन जी ने कल वापस किया, इनके भी दस्तखत थे उसमें। आप लोग लेके आइए लिस्ट, जनसत्ता में ही छपा था। जनसत्ता में उन सबका नाम है, तीस्ता शीतलवाड़ के साथ जितने लोग थे, जितने नाम थे उसमें, उनमें से आधे वही हैं जिन्होंने सम्मान वापस किए हैं। आज वो FTI के माध्यम से करें, चाहे वो साहित्यकार होने का फर्ज किसी भी माध्यम से करें। ये पुरस्कार कैसे प्राप्त किए गए देखिए, बस हमें कुछ कहना ही नहीं। वाह, धन्यवाद। मैं आंशिक रूप से तो उसी बिरादरी के उपपति प्रशासनिक सेवा में है, लेकिन ऐसा अंधेर नहीं देखा है कि अपने विभाग के अधीन कोई विभाग हो वहीं से पुरस्कार ले लो, ये नहीं देखा। ये हुआ है और ये लोग नैतिकता का पक्ष रखें, नैतिकता की बात करें। अदुलहीन भैया के पैसा दें अपनी संस्था से, ये तो कतौ नहीं सुनेंगे। सादर अनुरोध कर रही हूँ, क्योंकि बात चली है तो दूर तक जाएगी, और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि उंगली उठाई है तो चार मेरी तरफ भी हैं, तो बोले, और जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ऐसा जीवन जिया है कि सवाल आएंगे तो जवाब दे सकूंगी, छेद नहीं। इतने सारे हमारे आदरणीय साहित्यकार, इस पर बड़ी चर्चा हो चुकी है कि उनका मौन बाकी समय क्यों रहा। मुझे जो एक बात ज़्यादा भयंकर दिखती है, भयानक दिखती है, पूरे समाज से इतर कलाकार, साहित्यकार, लेखक, कलाधर्मी, चिंतकों, बुद्धिजीवियों को एक समाज का एक विशिष्ट आदर का पात्र माना जाता है, क्योंकि वो समाज में समरसता का भाव फैलाते हैं, क्योंकि वे समाज में रस घोलते हैं, समाज को दिशा देते हैं। लेकिन वही वर्ग भय का वातावरण क्रिएट करेगा तो क्या मेरे जैसे लोगों को सामने नहीं आना चाहिए? मैं तो आह्वान करती हूँ कि बजाय इस डर के कि खांचे में बांट कर बहुत हो चुका, साहित्य को आपने बहुत खांचे में इतने सालों बांट लिया, संगीत में भी होता है तो मैं उसका विरोध करती हूँ, कहीं भी हो। अब तो दोस्त यार दोस्त तक खांचे में बट गए, एक पंक्ति निकली यार तुम तो संघी हो, दूसरी पंक्ति आई यार तुम तो आप ये हो। ये एक बहुत खतरनाक और डेंजरस ट्रेंड है। विश्वास और सही बात को किसी राजनीतिक खांचे में लपेट के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सत्य सत्य ही रहता है। आज इस सम्मान वापसी में सत्व होता तो सर आंखों पर होता, लेकिन आज थैंक्स टू सोशल मीडिया ये सारे प्रमाण के रूप में अलग अलग लोगों के वॉल में तैर रही हैं सारे सच्चाइयाँ। ये 2 साल पहले कैसे यही लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता के विरोध में आकर के यदि अपना ऐतराज़ जताया तो या तो आपके वास्तव में संविधान में आस्था नहीं। आयातित विचार से आप संगीत की कला की एक विधा को, साहित्य को समृद्ध करें, लेकिन भारतीय संस्कृति को पर आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वालों को नकारें, ना तो इससे साहित्य का भला होने वाला है। और दूसरी बात, जिस दिन ये हो रहा था हम लोग साहित्य अकादमी गए थे, उसी दिन राष्ट्रपति भवन में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वितरण था। आप सोचिए कितना डेंजरस ट्रेंड है। आप नई संभावनाओं को ये कह रहे हैं कि उभरने से पहले कुचल दो, एक मानसिक दबाव है कि पुरस्कार मत लेने जाओ,
अब अगली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, कोई हो तो मत लेना, यू हैव नथिंग टू लूज, 30-30 साल हो गए लिए हुए, लेकिन नया बच्चा भी ना ले। ये किस प्रकार की सोच है और ये किस प्रकार की देन आप दे रहे हैं? आप लिखें, आज कहते हैं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं, आज़ादी नहीं है, किस अखबार में और किस चैनल में विरोध में नहीं कहा जा रहा और कौन सी आवाज़ें हैं जो नहीं बोल रही हैं? यदि आप कहते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसी बातों को दबा करके बंद किया जा रहा, तो आप ये सोचिए कि कहीं विरोध के स्वर भी ज़्यादा प्रस्फुटित नहीं हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत समय तक विरोध सह लिया गया और अब सहने के मूड में लोग नहीं हैं? आप क्यों इस सच्चाई को नहीं समझना चाहते? और दूसरी बात, हम कुछ लोगों के कहने से नहीं मानेंगे कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है या इस देश में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम सब के आदरणीय गुलजार साहब ने भी समर्थन किया है। गुलजार साहब को मुझे लगता है वो वाकई ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें इन बहस में भी नहीं होना चाहिए, वो इन सबसे ऊपर है। लेकिन आश्चर्य ये होता है, या मुझे लगता है कि कुछ उम्र होने के बाद मुझे लगता है या तो आदमी वास्तव में तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पाता, कि गुलजार साहब वो गुलजार साहब हैं जिनको हम लोगों ने टीवी देखते हुए सलाम किया था, जो ऑस्कर लेने नहीं गए थे, कि मैंने इससे बेहतर गाने लिखे हैं, मैं इसको लेने क्या जाऊँ। हम लोग वहाँ देखते हैं गुलजार साहब को, उनकी अपनी बनाई फिल्म बैन हुई, लेकिन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी क्षीण हुई है। इतना बड़ा विरोधाभास यदि कुछ लोग सुनियोजित ढंग से करेंगे तो विरोध में स्वर मुखर होंगे। मेरे जैसे लोगों को भी गाना बजाना छोड़कर यहाँ पर आना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए। यदि आप मुझे ले आए तो समझ लीजिए कि कितने लोग होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे। आप सोशल मीडिया पे आप देखें, अखबार में देखें, सब जगह देखें। हाँ, मैं राहुल जी की बात बिल्कुल मानती हूँ कि इससे भला किसी का नहीं होना है, और ज़रूर एक संवाद की स्थिति उत्पन्न हो सके तो ज़रूर उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन क्या वो संवाद के लिए तैयार हैं? और वास्तव में राहुल जी, आप बन जाइए मॉडरेटर और हो जाए आमने सामने। मुझे उस दिन चैनल वालों ने पूछा कि आप लोग गायिका हैं, आप यहाँ पर कैसे, एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल के, तो मैंने उनको जवाब दिया कि आपने कॉलर माइक लगाने के पहले मुझे कहा कि मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और फिर आपने माइक दिया, तो मैं बहुत बड़ी पाठिका हूँ। पुस्तक मेलों में न जाने कितनी अनुदित रचनाओं को सिर्फ पीछे फोल्डर में साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है इसलिए मैंने खरीदा है, मैंने पढ़ा है। मैं जब सोन चिरैया का आयोजन बनारस में मैंने किया, लोक कलाकारों को 150 मुख्य अतिथि किसको बनाया, जाके चेक कीजिएगा, काशीनाथ सिंह जी को बनाया था। मैं वो कलाकार हूँ जो साहित्य के साथ संगीत को जोड़ जोड़ करके, जब भी लोक कलाकार हम करते हैं तो हम उसमें साथ साथ पे लोक पे जितनी रचनाएं हैं मैं उनको लिखती हूँ। और दूसरी, बहुत लोग हैं मैं यहाँ पर, आपकी साहित्य जगत में ही घटी एक भेदभाव की ओर बस नज़र डालती हूँ, यहाँ पर मैं विदा ले रही हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, हमारे यहाँ के दो ऐसे मूर्धन्य कलाकार लेखक साहित्यकार हैं जिन्हें कि प्रगतिशील नहीं माना गया, जिनके बिना हिंदी साहित्य भी अधूरा है। नाम लेना चाहूँगी, आदरणीय भगवती चरण वर्मा जी का और आदरणीय अमृतलाल नागर जी का, और उन दोनों को प्रगतिशील लेखक नहीं माना गया, नाच्यो बहुत गोपाल जैसी रचना देने के बावजूद। कभी कभी लगता है लोक संगीत हमारा बड़ा अच्छा है भैया, जब हम गाते हैं पासियों के गीत, धोबिया, बिरहा, हम ये नहीं बताते किस जात का गाना है, लेकिन आप क्या बटे हुए हैं, ये दलितवादी हैं, ये स्त्रीवादी, फलाना विमर्श, असली समरसता देखनी हो सेक्युलरिज्म और नीचे आ जाइए, लोकगीत में आ जाइए, जहाँ पर कोई देखता नहीं, सारे मिलकर एक है, न जाति न भेद न स्त्री न पुरुष। तो खांचे जिन्होंने बनाए हैं आज वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और खांचे बनाए हैं तो खांचों के पार संवाद अभी तक मौन रहा, अब मुखर हुआ है, तो अब जो आपने किया उसको थोड़ा सा जवाब देने की ताकत लाएं। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद, बड़ों का आशीर्वाद।